पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर हंगामे के बाद आखिरकार बुधवार को संसद का डेडलॉक खत्म हो गया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की डिमांड के बाद आज जब क्रिसमस की छुट्टियों के बाद संसद सत्र शुरू हुआ तो राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस मसले पर सफाई दी। नेता सदन अरुण जेटली ने दो लाइन के बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस टिप्पणी का जवाब दिया है जिसे लेकर कांग्रेस कई दिनों से संसद की कार्रवाई नहीं चलने दे रही थी। लंच के बाद अरुण जेटली ने अपने बयान में कहा, पीएम मोदी ने अपने भाषण में पूर्व पीएम मनमोहन या पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की देशभक्ति और निष्ठा पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया और न ही उनकी ऐसी कोई मंशा थी। ऐसी कोई भी धारणा गलत है। हम इन नेताओं का सम्मान करते हैं और साथ ही देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता को भी मानते हैं। जेटली के इस बेहद संक्षिप्त बयान के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम नेता सदन के बयान का सम्मान करते हैं, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम खुद प्रधानमंत्री पद की गरिमा को नहीं गिराना चाहते हैं, इसलिए हम भी चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई टिप्पणी और बयान का समर्थन नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी अपमानजनक बयान नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि अरुण जेटली ने जब ये बयान दिया उस वक्त सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं थे, जबकि पीएम मोदी ने खुद इस मसले पर सदन में बयान की मांग कर रही कांग्रेस बाद में इस बात पर सहमत हो गई थी कि पीएम की मौजूदगी में बीजेपी से कोई नेता इस मसले पर जवाब दे। On several occasions last week had raised the issue of the honorable prime minister's speech during the recent elections to the assemblies in Gujarat and Himachal Pradesh. So many statements had been made on all sides during the elections. We do not want this stalemate as a result of this to continue. Let me categorically state that the Honorable Prime Minister in his statements or speeches did not question, nor did he mean to question, the commitment to this nation of either Dr. Manmohan Singh, the former Prime Minister, or Shri Hamid Ansari, the former Vice President. Any such perception is completely erroneous. We hold these leaders in high esteem, as also their commitment to this nation.